हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी करंट अफेयर्स से थे पिछले कुछ साल में, 1-1.5 साल में, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हुए हैं जो हमें इस बार के प्रीलिम एग्जाम में 4 अक्टूबर को पूछे जा सकते हैं। सो दे विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स। तो GS 1 से लेकर GS 4 तक सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी आपकी। इस लिस्ट को अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। एंड इनमें से जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो अगर आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे एंड यूट्यूब लिखेंगे, यूट्यूब पे जाके इस टॉपिक के नाम के आगे मेरा नाम लिखेंगे, तो आपको अन अकेडमी की वो जो कंसर्न वीडियो है वो दिख जाएगी जिसके अंदर हमने उस टॉपिक की अच्छे से एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो दैट विल बी अगेन हेल्पफुल फॉर योर क्विक रिविजन। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी जो स्ट्रैटेजी है वो रहेगी। इसके अलावा मैंने क्रैश कोर्सेज भी कराए हुए हैं, तो उन क्रैश कोर्सेज को भी आप देख सकते हो। अगेन दे विल बी हेल्पफुल फॉर योर स्टैटिक एग्जाम्स प्रिपरेशन। जब आप ANI 7 यूज़ करोगे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। तो देखिए, जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टॉपिक है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोविड-19। तो कोविड-19 जो है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वैक्सीनेशंस को हमने डिस्कस किया, इसके स्प्रेड को डिस्कस किया, पैंडेमिक एंडेमिक वाले डिफरेंसेस को डिस्कस किया, तो हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी आप सबको मिल जाएंगी, तो आपको सिर्फ मेरा नाम आगे लिख देना है एंड यू विल फाइंड द कंसर्न वीडियो। उसके बाद आता है आपका CAA। तो कैब और जो आपका पहले बिल आया था, ऑफ कोर्स उसके बाद अमेंडमेंट हो गया था CAA, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुए थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, एडिटोरियल भी आपको अच्छे से कराया था, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। इसी के साथ लिंक टॉपिक है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसको भी मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पॉलिटी में ही अगेन आर्टिकल 370, क्योंकि इसको हटाने के संबंध में काफ़ी ज़्यादा विरोध थे। फिर कहा गया था कि इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में प्रक्रिया ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उसके अंदर बाईपास करने की कोशिश की गई है लॉ को, और एक तरह से आप कह सकते हो लूप होल्स का जो है फायदा उठाने की कोशिश की है सरकार ने अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। तो अगेन 370 के ऊपर भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद जो चेंजेस आए स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हमें पता है कि 31 अक्टूबर के बाद से ये लग गया था 2019 के बाद से, राइट, तो वो सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि अब कौन से लॉज इसमें एप्लीकेबल होंगे, क्या कुछ चीज़ें चेंजेस आएंगी जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट में, या फिर जो जम्मू लद्दाख एंड जो आपका लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू को यूनियन टेरिटरी बनाया जम्मू एंड कश्मीर को, तो उससे क्या कुछ चेंजेस आएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपके इन्वायरमेंटल कन्वेंशन आ सकती हैं। इन्वायरमेंटल कन्वेंशन के ऊपर मेरा डिटेल लेक्चर है जिसके अंदर मैंने सारी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन कराई हुई हैं। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लेना। एंड इसके अलावा इन्वायरमेंट के ऊपर मेरा क्रैश कोर्स भी है जो आपको अन अकेडमी पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो आपको सर्च करना है अन अकेडमी, या आपको सर्च करना है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्रैश कोर्स फॉर UPSC बाय अनिकेत अग्रवाल एंड यू विल फाइंड द कंसर्न क्रैश कोर्स। उसके बाद आपके न्यू एक्ट्स आ जाते हैं जितने भी पार्लियामेंट ने पास किए थे, तो इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसके अंदर मेजर एक्ट्स की अगर हम बात करें तो कोई खास इस बार नहीं आता, लेकिन ट्रिपल तलाक के ऊपर फिर भी थोड़ी बहुत ही बातचीत हुई थी, तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको डिस्कस कर लेनी चाहिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हमने एडिटोरियल में डिस्कस की थी वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सफिशेंट होगी। इसके अलावा मैंने जो और एक्ट्स डिस्कस किए थे वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद आते हैं आपके इलेक्शन से संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर VVPAT वाला सिस्टम आया था एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने डिटेल लेक्चर किया था, चाइना का क्या रोल है इसमें, इंडिया का क्या रोल है, क्या स्टेक है, क्या कुछ हम इसमें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा खासा बन जाता है। एंड इसके अंदर आपका जो SYL कनाल वाला मुद्दा है वो भी हाईलाइट होगा, क्योंकि SYL वाले मुद्दे पर फिर से जो है काम वगैरह हुआ था, उसके ऊपर अगेन पंजाब जो है वो नॉड नहीं दे रहा कि हम ये इंप्लीमेंट करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी हार चुका है। तो SYL मुद्दे के अंदर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि सऊदी जो आपके अरेबियन पेनिनसुला वाले लोग हैं, ये भी अब काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो डेवलपिंग रोबोट्स एंड मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। प्लस हमें स्पेस एडवेंचर्स जितने भी करना चाहते हैं हम, जहाँ पे भी हम अनमैंड एयरक्राफ्ट भी बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी बड़ा रोल है। उसके बाद सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि जो मीडिया ट्रायल्स हैं, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में देख लीजिए, तो मीडिया ट्रायल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मीडिया ट्रायल्स कब होते हैं, जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ट्रेंड करती है, तो सोशल मीडिया ट्रेंड से किस तरह से एक पर्सन रातों रात अमीर हो जाता है, वायरल हो जाता है, एंड साथ ही साथ दूसरा पर्सन जो है वो बर्बाद हो जाता है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
उसके बाद हीट वेव्स के ऊपर हमने सेपरेटली डिस्कस किया था कि हीट वेव्स का इंपैक्ट इंडिया में क्यों बढ़ रहा है, या फिर अर्बन हीट क्या चीज़ है, अर्बन हीट आयरलैंड वाला कंसेप्ट क्या है, और हीट वेव्स को हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से नुकसानदायक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत रैंकिंग दोनों ही हमने डिटेल में डिस्कस की थी, क्या कुछ चेंजेस आए, क्या कुछ इंपैक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। अगेन ये सारी वीडियोज़ जो है आपको अन अकेडमी पर ही मिल जाएंगी, तो आपको डायरेक्टली बस टॉपिक का नाम लिखना है एंड मेरा नाम लिखना है एंड यू विल फाइंड द कंसर्न वीडियो। उसके बाद आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आ जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर रैंकिंग क्या चल रही है, कौन सा स्टेटस नंबर वन पे है, ये रैंकिंग आपको जरूर देख के जानी है। उसके बाद आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आईसीसी और आईसीजे के अंदर फर्क होता है, ये भी मैंने आपको कराया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इन दोनों में चीज़ों में डिफरेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर हमारे अदर मामले जाते हैं, जबकि क्रिमिनल कोर्ट के अंदर हमारे वॉर क्राइम से रिलेटेड मामले जाते हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अभी हमने देखा था कि हरीश सालवे जी जो है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था। अच्छा जी, उसके बाद यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर हो गया, इसके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन में वीडियो किया था। इसके बाद आपके डाटा प्रोटेक्शन और राइट टू प्राइवेसी के ऊपर हमने डिटेल वीडियो किया था, तो सेम टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मी टू मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनिशियली तो लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में मी टू मूवमेंट जब चला तो बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा कहा कि हमारे साथ भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो थी वो हुई थी। अब यहाँ पे जो था एक डाइसी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आपका जो क्रिमिनल लॉ वो कहता है, कि इस तरह के जो ऑफेंसेज हैं उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि आप जब मर्जी उसके लिए FIR करा सकते हैं, लेकिन अगर हम एविडेंस की बात करें तो एविडेंस के हिसाब से अगर आपने एक चीज़ को पहले छुपाया था एंड बाद में आप उस चीज को उजागर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फिशी है, तो आपकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है जो वो चीजें डिक्रीज हो जाती हैं। तो इनिशियली आप कह रहे हैं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, उसके बाद 10 साल बाद आप कह रहे हैं मेरे साथ रेप हुआ था। तो ये जो चीज है ये अपने आप में ट्रस्ट वर्दीनेस को कम कर देती है विक्टिम के या गवाह के। उसके बाद इंडिया का एयर पोल्यूशन आ गया, तो एयर पोल्यूशन के ऊपर हमने सेपरेट डिस्कशन किया था, तो एयर पोल्यूशन वाली सारी चीज़ें जो हैं, कौन सी गैसेज हैं या कौन सी चीज़ें जो है नुकसानदायक हैं, और COVID-19 से इसमें किस तरह से गिरावट आई है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो भी इंपॉर्टेंट आते हैं वो हम डिस्कस करते ही हैं, तो वो सारे आपको रिवाइज करने हैं एंड ऑफ कोर्स उसकी कंपाइलेशन भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी जो भी सब कमिटीज़ या कैबिनेट कमिटीज़ बनी थी उनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, अगेन जो हम एडिटोरियल्स में पढ़ते थे वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से हम क्राइम को कम कर सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर से, एंड जो लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वो पॉलिटिक्स में से किस तरह से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पॉलिटिक्स अपने आप में कीचड़ है, तो जो भी जाएगा उसके कपड़े गंदे होंगे, लेकिन हम कीचड़ के अंदर किस तरह से कमल को खिला सकते हैं उस चीज़ की बात यहाँ पे की जाती है। उसके बाद आपकी ईरान न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में से, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS2 में आपको आएगा ही आएगा, चाहे मेंस में चाहे प्रीमियम आए। एंड ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन किया था, इंडिया का स्टेक क्या है, अफगानिस्तान का रोल क्या है, यूएसए का रोल क्या है, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिटेल डिस्कस किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपकी आयुष्मान भारत होगी और प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स होती हैं वो सारी की सारी स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है 2018 का, क्योंकि अभी फार्मिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि फॉरेन कंपनीज को ज़्यादा फायदा होता है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड चीज़ होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डाटा लीक की काफ़ी ज़्यादा बातें आती हैं कि डाटा इतना ज़्यादा लीक हो गया यूजर्स का एंड ऑल। इसके अलावा आपके इलेक्शन के अंदर जो फंडिंग हो रही है वो फंडिंग इस तरह से हो रही है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसके बाद आपके क्रिप्टो करेंसीज आ गए, क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइंस वगैरह ये वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि अभी कोई ऐसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो इनको रेगुलेट करे, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि बिटकॉइंस का यूज़ जो है वो ड्रग्स में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में या आर्म्स खरीदने में भी इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वो हो जाता है। उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ हो जाती है इंडिया के अंदर, जो हो रही है रादर, एंड जॉब्स और ज़्यादा कम हो गई हैं आफ्टर COVID-19, बहुत सारी जो इवन वाइट कलर जॉब थी वो भी लोगों ने खो दी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपके जो एक्सट्रीम वेदर्स आ रहे हैं या क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं उससे हेल्थ हजार्ड्स क्या हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। इसमें प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट आ जाएगी आपकी मेन, जो आपको पढ़नी होती है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन रिफॉर्म्स पढ़ने होते हैं कि प्रोसिक्यूशन सिस्टम को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगेन रिमेंबर कि CRPC 1973 के बाद हमने जो मेजर चेंज लाया था अपने सिस्टम में वो ये था कि हमने प्रोसिक्यूशन एंड पुलिस को सेपरेट कर दिया था। तो अब होम डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो होम डिपार्टमेंट के अंदर तीन मुख्य डिपार्टमेंट्स आएंगे, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड जेल्स, तो तीन डिपार्टमेंट्स हो गए। ठीक है, पहले सिर्फ पुलिस होता था, पुलिस के अंदर ही जेल है, पुलिस के अंदर ही प्रोसिक्यूशन है। 1973 के बाद ये चेंज हो गया सिस्टम एंड मेन जो डिफरेंस आया वो आया प्रोसिक्यूशन एंड पुलिस फॉर सेपरेटेड। ठीक है, इसके लिए आपको जो मेरी मेन वीडियो देखनी है वो देखनी है आपकी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वर्सेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को ये आपके स्टेट में हो सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहा जाता हो,
तो दैट मे बी अ डिफरेंस। तो जिन लोगों ने बैटमैन भी देखी हुई ना, अगर आपने बैटमैन डार्क नाइट देखी है, उसमें जोकर वाली जो मूवी थी, तो उसके अंदर भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का रोल दिखाया गया है। तो उसके अंदर भी आप समझ सकते हो, अगर आपको वो मूवी याद है, कि किस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर वॉज ओवर पुलिस ऑफिसर्स, एंड जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन वगैरह आसान रहती थी, एंड किस तरह से चीज़ों को रूल किया जाता था। उसके बाद इंडिया की जो ग्रोइंग अंडर वाटर कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर वाटर को हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि पंजाब का भी रिसेंटली सर्वे आया था कि हमारे पास तो ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, वो सारी चीज़ें होंगी। मलिमट कमेटी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिमट कमेटी रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा करंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो आपका इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड है। इसके बाद आपकी डिजिटल इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकता है, कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर जो एब्रोगेशन ऑफ 370 है, कि क्या कुछ अनरेस्ट आया यहाँ पे, क्या कुछ डिस्प्यूट के अंदर आया, तो वो सारी चीज़ें, एंड पाकिस्तान किस तरह से उसे इंटरनेशनल लेवल पे उठा रहा है, और वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसके अलावा यूएसए ने बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी से विड्रॉ किया था इस साल, उन सभी को हमने डिटेल में कवर किया हुआ है सेपरेट वीडियोज़ में, तो आप उस सारी वीडियोज़ को मेरी अकेडमी पर उपलब्ध है, उन सभी को आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस की बात करें, तो पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी डिसरप्शंस हुई, चाहे COVID-19 के कारण हुई या किसी भी और कारण से हुई, या फिर जो ऑपोजिशन है वो वहाँ पर काम नहीं करने दे रही, जो भी है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पूछी जा सकती हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसके हम बात करते हैं, वो पूछी जा सकती है, प्लस DPSP से इसका क्या कनेक्शन है, क्या ये किसी फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करेगा, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर से सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो गरीब तबके को होगा, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज से फायदा होगा, तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपका मैरिटल रेप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कि आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स अगर कोई लड़की मैरी करती है, एंड उसके बाद वो इंटरकोर्स में नहीं जाना चाहती, वो सेक्स नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी अगर उसका हस्बैंड उसको फोर्स करता है इंटरकोर्स के लिए, तो दैट इज टेक्निकली अ रेप, बट क्योंकि अब वो मैरिज हो गई है तो उसको रेप नहीं माना जा रहा। तो ये चीज़ जो है अपने आप पे सोसाइटल डिलेमा है, कि इसको रेप कंसिडर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो औरत के ऊपर ज्यादती हो रही है। लेकिन अगर दूसरी साइड का आर्गुमेंट हम देखें, तो दूसरी साइड का आर्गुमेंट ये है कि पहली बात तो इस तरह से हस्बैंड का वाइफ को फोर्स करना बहुत ज़्यादा एक अनरियलिस्टिक सी बात लगती है, कि हस्बैंड कोई भी वाइफ को फोर्स क्यों करेगा। नंबर टू, अगर वो कर भी रहा है तो एविडेंसेज नहीं है, एविडेंस नहीं लगाया जा सकता इस बात का कि हस्बैंड ने फोर्स किया अपने आप को वाइफ के ऊपर। तो अगर कोई हम इस तरह का कानून ले भी आते हैं कि मैरिटल रेप को हम ऑफेंस बना दें, तो जो वाइफ है वो प्रूव कैसे करेगी कि जो हस्बैंड है उसी ने ऐसा किया था। एंड सेकेंडली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ज़्यादा जितने भी हमने वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए हैं, चाहे रेप लॉज हैं या कोई भी और लॉज है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर मिसयूज़ अगर हम देखें तो मिसयूज़ ही हो रहा है, यूज़ से ज़्यादा उसका मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि जिन लोग लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है वो तो हिम्मत जुटा नहीं पाती हैं, एंड जो और लड़कियाँ हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठाती हैं, चाहे वो वॉजरिज्म हो, चाहे वो किसी भी तरह की और कोई इस तरह की कोई आप कह सकते हैं अभद्र वेबसाइट हो जिसको शेयर किया गया है या इमेज को शेयर किया गया है, तो पहले उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं लड़कियां, एंड देन बाद में बदला लेने के लिए या एक रिवेंज की टैक्टिक्स की तरह से लॉ को मिसयूज़ किया जाता है। तो हमने बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि इस तरह के जो लॉज हैं वो बनाए तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ जाते हैं, लेकिन जिसको उसका फ़ायदा मिलना होता है उसको फ़ायदा मिल नहीं पाता, एंड उसका रादर नुकसान हो जाता है। तो मैरिटल रेप अगर हम बना देते हैं आज ऑफेंस, तो उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि प्रूव उससे कर नहीं पाएंगे, और हो सकता है बहुत सारी जो औरतें हैं वो रिवेंज के लिए उसको नुकसान गलत फ़ायदा उठाएं, एंड जो इनोसेंट हस्बैंड्स हैं वो जेल में चले जाएं। इसके बाद जो आपके PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनका मर्जर हो रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर होना चाहिए तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट तो ट्राई कर चुकी है लेकिन फिर भी इसको कोई क्यों नहीं खरीद रहा। इसके अलावा कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जो उन्होंने इसको एब्रोगेट कर दिया है, बहुत सारे जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसको हटा नहीं रहे हैं, तो इंडिया को इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। उसके बाद आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो फार्म लोन वेवर्स होते हैं उनके ऊपर आ सकता है, कि जो भी फार्मर्स को लोन दिए जाते हैं उनको वेव कर दिया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, जिससे कि इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों साइड हमेशा आंसर में लिखनी होती हैं। उसके बाद आपके नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन बिल आया था, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, इसको आप जाके देख सकते हो। उसके बाद जो MPs हैं वो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था रिसेंटली, इसके ऊपर भी आपको वीडियो देख सकते हो, एंड इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रोवर्सी ओवर द चेंजिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मूल बदलाव है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की अगर कोशिश की जाए तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आपको केशवानंद भारती वाला जो केस है उसकी समरी बेसिकली जो आपको लक्ष्मीकांत में दी हुई है वो इनफ है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा आर्टिकल 377 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और मोरालिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। 377 की अगर हम बात करें तो 377 रिलेट्स टू
होमोसेक्सुअलिटी, वैसे तो होमोसेक्सुअलिटी नहीं, इसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी के अलावा बेस्टैलिटी, यानी कि अगर आप किसी जानवर के साथ इंटरकोर्स करते हो, या फिर आप जो है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर कोई इंटरकोर्स करते हो, यानी कि जो पीनल वेजाइनल इंटरकोर्स नहीं है, जिसके अंदर किसी भी तरह का और ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो आप, या ओरल कर रहे हो या एनल कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पनिशेबल थी। अब 377 को रिसेंटली आप कह सकते हो कि डाउनग्रेड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि ठीक है अगर तुम प्राइवेट में कुछ भी कर रहे हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बट पब्लिक में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगेन मॉरल ग्राउंड्स क्या हैं इसके, और कॉन्स्टिट्यूशनली क्या वैलिड है क्या नहीं है, क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट होनी चाहिए एक सोसाइटी के अंदर जो कि अपने आप को एक सिविलाइज सोसाइटी कह रही है, या ये जो चीजें हैं ये उस सिविलाइज सोसाइटी को एक गलत राह पे लेके जा सकती हैं जहां पे जो है कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर जो चर्चा है वो हो सकती है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है, एंड इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा डाटा लोकलाइजेशन के ऊपर आ सकता है कि इंडिया के अंदर सारे सर्वर होने चाहिए, इंडिया के अंदर ही सारा डाटा होना चाहिए, क्योंकि हमारे डाटा जो लोग हैं उनका डाटा लीक ना हो। इसके अलावा क्राइसिस जो आपके शुगर केन सेक्टर के अंदर है, शुगर केन सेक्टर के अंदर जो प्राइसिस फ्लक्चुएशन होती है, फिर शुगर केन को इंपोर्ट करने की बात होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकती हैं GS3 के हिसाब से। तो अगेन ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहाँ से अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे प्रीलिम्स में एंड मेन्स में भी। इसके अलावा आ जाते हैं आपके नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स की बात करें, तो बायोफ्यूल्स के अंदर हम क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से बायोफ्यूल्स को हम प्रमोट कर सकते हैं, उसको पेट्रोल में मिला के हैं, डीजल में मिला के, एंड सो ऑन। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ताकि लोग उसको सीख सकें एंड लोगों का जो विश्वास है कोर्ट में, जस्टिस सिस्टम में, वो बढ़ सके। फार्मर्स की इनकम डबल होने की बार बार हम बात करते हैं, तो फार्मर्स की इनकम डबल होने के लिए हम एक्चुअली में क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों पर बात हो सकती है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स का जिक्र करना है, तो आपको सिंपल क्वेश्चन दे देंगे, तीन चार स्कीम्स दे देंगे, दीज स्कीम्स रिलेट टू डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, तो आपको वो दे देंगे 1 एंड 2, 2 एंड 3 ऐसे करके, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मॉब लिंचिंग वगैरह होती है उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। RTI में रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी, जिसमें कि जो बेसिकली ग्रेड है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स का जो स्टेट के अंदर लगे हुए हैं उनको डाउनग्रेड करने की बात की जा रही थी, उनकी सैलरीज कम करने की बात की जा रही थी, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आ सकता है, तो ये इकोनॉमी के अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर क्वेश्चन आ जाता है। तो इकोनॉमी का भी मेरा क्रैश कोर्स बना हुआ है, पॉलिटी का भी मेरा क्रैश कोर्स बना हुआ है, तो अगेन आपको क्रैश कोर्स लिखना है इकोनॉमी क्रैश कोर्स बाय अनिकेत अग्रवाल, एंड आपको वो वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एंड यू कैन डू दैट इजिली। बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें जो है रिवाइज हो जाएंगी विद इन अ स्ट्रेच ऑफ फ्यू आवर्स। उसके बाद आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, तो NPA जो है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उनके ऊपर क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह से बैंक्स इसको टेक ओवर कर सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एसेट रिकंस्ट्रक्ट किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आपका लोकपाल बिल जो हो गया, लोकपाल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लोकपाल बनाने के बाद कुछ फायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ, एंड सो ऑन। उसके बाद आपके पावर एंड रोल ऑफ RBI, RBI के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये अगेन आपका इकोनॉमी का जो क्रैश कोर्स है उसमें कवर हो जाएगा। सारे के सारे क्रैश कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अनअकैडमी पे उपलब्ध हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके टेलीग्राम पर जाके भी पूछ सकते हैं। साथ ही आपको सेम जो अनअकैडमी का आर्टिकुलेट चैनल है वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, आपको जस्ट मेरा नाम सर्च करना है क्रैश कोर्स के आगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आपको कुछ इंसाइट्स मिला होगा किन किन टॉपिक्स को आपको अभी रिवाइज करना चाहिए बिफोर द एग्जाम्स। Thank you for watching this video. Have a nice day. So with this we have completed the topic. Short topic था. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, informative लगी होगी। तो साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया कीजिए। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है, डेली 7:30 PM पे होती है, एंड 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और 20 मिनट के लिए कराए जाते हैं। 40 मार्क्स के टेस्ट होता है, और इससे आपको साथ के साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ जो आपने आज करंट अफेयर्स करे उसमें से आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था, कितना कुछ आपको रिवाइज करने की जरूरत है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज जिसको आपको डेली करना चाहिए। सो आई होप आप लोग अपने स्कोर जो है वो सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज अनअकैडमी प्लस है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट UPSC CSE प्रिपरेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, जिनको आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक एजुकेटर पसंद ना आए तो आप दूसरे एजुकेटर के क्लासेस देख सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों तरह के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम ओनली से हैं तब भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम ओनली है तब भी कंप्लीट सोल्यूशन है, एंड अगर आप बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं यानी कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं और इंग्लिश में आपका अटैम्प्ट होता है, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो बायलिंगुअल बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल है। लेट नाइट बैचेज रहते हैं और 2 साल के बैचेज रहते हैं जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। सो लेट नाइट बैचेज अगेन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो। 100% सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छुड़वाया जाएगा, 100% कंप्लीट कवरेज होगी अनलाइक अदर ट्यूशंस। इसके अलावा आपको वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स मिल जाती है, तो आपको पता है 23 के करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं UPSC CSE में, हमारे पास मैक्सिमम तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंदर भी आपको सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए आंसर्स दिए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की भी हम पूरी इवेल्यूएशन करते हैं, तो आपके आंसर्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आपको क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, और मैंने आपको कहा भी था कि 20 क्वेश्चन हमारे डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एसेज के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे डेडिकेटेड लेक्चर्स होते हैं, तो आपको पता है कि एसे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने किसी भी टॉपर टॉक देखी हो तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसेज को आपको स्किप नहीं करना। तो एसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसीलिए एसेज के ऊपर भी हम खास ध्यान देते हैं, एंड यहाँ पे आपके मेंस के अंदर कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप सोचो प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं 1-2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता भी हूँ, जो भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं आप उसका 150 से 200 शब्दों में खुद से एक समरी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है और आपका कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पर आपको जो है फंक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शनल क्विजेज होती हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की क्विज होगी, उस क्विज के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपकी इवैल्यूएशन कितनी आ रही है। सपोज करो पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या ज्यूरिसडिक्शन, तो इस तरीके से आपकी जो क्विजेज हैं वो डिजाइन की जाती हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवा के देते हैं। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। एंड इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस, डू यूज़ माई कोड ANI7, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।